नमस्कार साथियों, अभी हमने जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का जो बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर हम आज कुछ अभी तक हमने जो मात्रक है उनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे, एक विमीय गति यानी जो सरल रेखा में अगर कोई गति होती है उसे हम एक विमीय गति कहते हैं, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कुल टोटल दो लेक्चर होने वाले हैं, दो लेक्चर के अंदर हम इस पूरी एक विमीय गति को कवर करेंगे। इसके साथ ही इसका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा गति के नियम और जो न्यूटन की गति के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, संवेग, बल, कार्य और ऊर्जा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो 5-6 लेक्चर और होने वाले हैं उसके बाद हमारी जो फिजिक्स पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। उसके बाद हम केमिस्ट्री पार्ट और बायोलॉजी पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो भी प्रारंभ करने वाले हैं एक दो दिनों के अंदर, जैसे ही हमें टाइम मिलता है। और साथ में जो जीके और साइकोलॉजी है उसकी जो क्लासेस हैं वो अशोक सर द्वारा चलाई जा रही हैं। उनकी जो वीडियो की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन पर जाकर अपनी जीके और साइकोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक विमीय गति या सरल रेखा में गति का जो टॉपिक है उसके बारे में। सबसे पहले एक विमीय गति, और इसको हम सरल रेखा में गति भी कहते हैं क्योंकि हमारी आरपीएससी के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए हम इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। केवल आरपीएससी का जो सिलेबस है उस तक ही सीमित रहकर हम इसमें काम करेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले गति के बारे में, इसका जो टॉपिक है उसकी गति के बारे में समझते हैं कि गति क्या होती है। गति को समझने के लिए हमें कोई भी वस्तु की अवस्था को समझना आवश्यक होता है, किसी भी वस्तु की अवस्था को समझना आवश्यक होता है कि अवस्था क्या चीज है। देखिए समझिए, कोई भी वस्तु की अवस्था का निर्धारण होता है वो एक दूसरे के सापेक्ष देखा जाता है, यानी अगर आप बैठे हो तो उसकी अवस्था किस प्रकार की है इसका निर्धारण मेरे सापेक्ष होगा या किसी अन्य व्यक्ति के सापेक्ष होगा। यानी कोई भी वस्तु की अवस्था का निर्धारण होता है वो सापेक्ष तय दिया जाता है, सापेक्ष दिया जाता है। अभी कुछ बच्चों के या कुछ भी कैंडिडेट के समझ में नहीं आया होगा कि ये सापेक्ष क्या चीज है। चलिए अब समझते हैं इसको थोड़ा सा डीपली, और इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। अवस्था है किसी भी वस्तु की, वो दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले बोलते हैं उसको स्थितिक अवस्था और दूसरी को बोलते हैं गतिक अवस्था। गतिक अवस्था, दो प्रकार की को अवस्था संभव है। पहली होती है स्थितिक अवस्था और दूसरी होती है गतिक अवस्था। स्थितिक का मतलब होता है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसे हम स्थितिक अवस्था कहते हैं, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसे गतिक अवस्था कहते हैं। अब समझते हैं कि गतिमान और स्थिर का जो कॉन्सेप्ट है उसको डीपली थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन उठ सकते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, इसलिए इससे क्वेश्चन उठने की संभावना ज्यादा है। चलिए समझते हैं। देखिए, जैसा आप बैठे हुए हैं किसी चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं तो यह अपन क्या कहेंगे कि यह चीज है वो स्थिर है, ठीक है। अगर आप चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह चीज है वो गतिमान है। जैसे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के अंदर क्या है, ट्रेन गतिमान हुई। अगर बस खड़ी है तो यह स्थिर अवस्था कहलाती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी अपना अधूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब मैंने बताया कि जो भी चीज देखी जाती है वो सापेक्ष देखी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा कैसे समझेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे मान लिया कोई एक ट्रेन है या बस है, बस के अंदर कोई दो यात्री बैठे हैं, मैंने यात्रियों के नाम दे दिए ए और बी, दो यात्रियों के नाम दे दिए, और ये बस चलना प्रारंभ कर देती है। ये यात्री बैठे हुए हैं और यहां पर कोई सड़क या प्लेटफॉर्म पर कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा है सी। अब समझते हैं इसका स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था का कॉन्सेप्ट क्या है। जब ए व्यक्ति से यह पूछा गया कि बी क्या है, स्थिर है या गतिमान है, यानी चल रहा है या गतिमान है, तब ए ने जवाब दिया कि बी तो क्या है, स्थिर है, क्योंकि यह तो बैठा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही सी से यह पूछा गया कि बी स्थिर है या गतिमान है, तब सी ने क्या जवाब दिया कि जो ये बी है ये तो जा रहा है, बस में जा रहा है। जा रहा है का मतलब है यह गतिमान है, यानी ये जो बी है इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो अवस्था है, उसका निर्धारण दो व्यक्तियों ने किया, एक ए ने और एक सी ने। ए ने तो बताया कि यह स्थिर है और सी ने बताया कि यह गतिमान है, तो अब बी क्या हुआ। तब एक वैज्ञानिक थे अपने आइंस्टीन वैज्ञानिक ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसका निर्धारण किसी अन्य के सापेक्ष किया जाता है। इसको सापेक्ष बोलेंगे, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि बी ए के सापेक्ष स्थिर है, बी ए के सापेक्ष स्थिर है और बी सी के सापेक्ष
गतिमान है, यानी इनको सापेक्ष बोलते हैं और इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये काफी फेमस हुआ था और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, वो भी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो ध्यान रखना है अपने को, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्या होता है समझ में आ गया, यानी किसी भी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण होता है वो किसी अन्य वस्तु या कोई भी बिंदु के सापेक्ष किया जाता है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब कोई भी वस्तु की स्थिति या गति का निर्धारण करना हो तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार कोई व्यक्ति ले आए या फिर कोई एक प्रेक्षक, प्रेक्षक होता है जो ऑब्जर्व करता है, देखता है किसी चीज को, उसे प्रेक्षक कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार लेके आए, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक टर्म सोच रखी है, एक चीज सोच रखी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक चीज का निर्धारण किया जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं। किसी भी वस्तु की यदि हमें अवस्था का पता करना हो तो क्या काम में लेते हैं, निर्देश तंत्र काम में लेते हैं। और निर्देश तंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक है कार्तीय, निर्देश तंत्र काम में लिया जाता है, रेंडे कार्टेज नाम करके एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में कार्तीय निर्देश तंत्र काम में लिया जाता है। किसी भी वस्तु की अवस्था का निर्धारण करने के लिए निर्देश तंत्र काम में लेते हैं, और वो भी कौन सा, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र होता क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। देखिए समझिए क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, दो लाइनें खींच देते हैं, पहली को बोलते हैं एक्स एक्स और दूसरी को ये होगी एक्स और ये होगी एक्स डैश, ये हो गई वाई और ये हो गई वाई डैश और ये हो गया इसका मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। एक निर्देश, इसे द्विविमीय निर्देश तंत्र कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो अक्षे हैं, और एक होता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र जिसके अंदर तीन अक्षे होती हैं, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। अब करते क्या है समझिए, अब जैसे मान लिया मैंने कोई एक वस्तु है वो पी पॉइंट पे रख दी, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इस पी पॉइंट को देखते हैं समय के साथ, इस पी पॉइंट का निर्धारण किया जाता है समय के साथ। यदि समय के साथ पी की जो स्थिति है वो अगर नहीं बदल रही तब तो उसे कहते हैं स्थिर अवस्था में, और यदि पी की स्थिति बदल जाती है, जैसे मान लीजिए पी पहले यहां था फिर यहां गया फिर यहां गया फिर यहां गया फिर यहां गया, तब इसे कहते हैं गतिमान अवस्था। तो इसका निर्धारण होता है चाहे वो द्विविमीय निर्देश तंत्र में देखा जाए या त्रिविमीय निर्देश तंत्र में देखा जाए। द्विविमीय में दो अक्षे होती है एक्स एक्स और वाई एक्स, और त्रिविमीय निर्देश तंत्र में तीन अक्षे होती है एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। इसके आधार पर हम किसी वस्तु की अवस्था का निर्धारण करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवस्था निर्धारण के लिए हम क्या देखते हैं कि समय के साथ यदि कोई बिंदु की स्थिति बदल रही होती है तब वह गतिमान अवस्था में या गतिक अवस्था में कहलाता है, और यदि उसकी स्थिति नहीं बदलती तो वह स्थिर अवस्था में कहलाता है। और अपने पास अभी दो ही प्रकार की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अपने को पढ़ना है गति के बारे में, क्योंकि एक विमीय गति, अब गति होती है वो तीन प्रकार की होती है, यानी तीन प्रकार से उसे गति को परिभाषित कर सकते हैं। गति का निर्धारण तीन प्रकार से किया जाता है, पहली कहलाती है एक विमीय गति, दूसरी कहलाती है द्विविमीय गति, और तीसरी कहलाती है त्रिविमीय गति। समझिए क्या क्या होता है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल पूछा जाता है निम्न में से कौन सी गति एक विमीय है, निम्न में से कौन सी गति द्विविमीय है, कौन सी गति त्रिविमीय है। सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय गति के बारे में, हम इसका एग्जाम्पल लेकर इसको पूरा वर्णन करेंगे। समझिए एक विमीय गति क्या होती है, एक विमीय अगर कोई गति एक सरल रेखा में होती है, अगर कोई गति एक सरल रेखा में होती है तब इसे हम एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने मान लिया एक सीधी सड़क पर कार चल रही है, सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी सड़क पर चलती कार है वो क्या कहलाती है, एक विमीय गति का उदाहरण है, क्योंकि वह एक सीधी रेखा में चलेगी तो इसलिए इसे हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे सीधी पटरी पर चलती ट्रेन, सीधी पटरी पर चलती ट्रेन, यह भी किसका उदाहरण है, एक विमीय गति का उदाहरण है। समझ में आ गया, एक विमीय, यदि हम एकदम सीधे चल रहे हैं किसी भी रेखा के अनुदिश तब इसे एक विमीय गति कहते हैं। समझते हैं द्विविमीय गति के बारे में, द्विविमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति होती है वह गति जो एक तल में हो, तल कहते हैं समतल, जैसे जमीन है उस पर तल में हो,
लेकिन इसकी खास बात है सरल रेखा में नहीं होनी चाहिए, सरल रेखा में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर सरल रेखा में हो गई तो वो एक विमीय गति बन जाएगी, अगर वह सरल रेखा में हो गई तो वह एक विमीय गति बन जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, कार होती है वो भी एक तल में चलती है, लेकिन अगर सरल रेखा में चले तब तो एक विमीय गति, और यदि टेढ़ी मेढ़ी एक तल में चलने लग जाए तो वह द्विमीय गति बन जाएगी। उदाहरण जैसे सांप की गति, सांप है वो कभी भी सीधा नहीं चलता, वो थोड़ा लौट के चलता है। सांप की गति, सांप की जो गति होती है वो द्विमीय गति है। जैसे वर्तीय गति, वर्त बनाना हो तो हमें क्या करती है, दो विमा की आवश्यकता होती है, पूरा तल चाहिए, सरल रेखा नहीं बना सकते। एक गति होती है जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब ये प्रक्षेप्य गति क्या होती है, समझते हैं क्या होती है प्रक्षेप्य गति, कि अगर हम एक बॉल फेंके तो बॉल क्या करेगी, ऐसे जाके वापस आ जाएगी, इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब क्या करते हैं तीसरी, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति जो अंतरिक्ष में हो, लेकिन ध्यान रखने वाली है अंतरिक्ष में हो, उस प्रकार की गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, पहली बात सरल रेखा में नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात तल में नहीं होनी चाहिए। तल में हो गई तो वो द्विविमीय बन जाएगी, सरल रेखा में हो गई तो त्रिविमीय बन जाएगी। ध्यान रखना इस बात को कि अगर अंतरिक्ष में है फिर भी वह अगर सरल रेखा में चल रही है तो वो एक विमीय गति में आ जाएगा। जैसे मच्छर उड़ रहा है तो मच्छर की गति, मक्खी की गति, मच्छर की गति, मक्खी की गति। और एक बात ध्यान रखना, स्पिनर बॉलर होता है, स्पिनर बॉलर की जो गति होती है उसकी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं, क्योंकि यह क्या करती है, टर्न हो जाती है। जैसे सीधी चलती है पहले एक तल में आती है फिर बाद में टर्न हो जाती है, इसलिए इसकी गति को त्रिविमीय गति। एक उदाहरण पूछा जाता है, एक तो प्रक्षेप्य गति इंपॉर्टेंट है, वर्तीय गति इंपॉर्टेंट है, और फिर तीसरा उदाहरण पूछा जाता है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। अपन क्या समझते हैं कि पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में चारों ओर गतिमान है, इसलिए इसकी गति है वो क्या हो जाएगी, त्रिविमीय गति हो जाएगी। लेकिन अपने सोचने वाली बात है कि जो गति है पृथ्वी की वो सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर काटती है, तो वर्ताकार कक्षा की जो चक्कर की गति होती है उसे द्विविमीय गति कहते हैं। इतनी बात समझ में आई गई, कोई भी गति होती है वो तीन प्रकार की संभव है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। हालांकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा इतना डीप नहीं आएगा, फिर भी आपका जो दो चार मिनट का डीप मैं पढ़ा रहा हूं ताकि क्या हो कि आपको इससे हटकर क्वेश्चन आने की कोई संभावना ना बचे। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, इस लेक्चर के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। समझिए, जब भी कोई वस्तु एक विमीय गति करती है तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। एक विमीय गति जब भी कोई वस्तु चलना प्रारंभ करेगी तो क्या करेगी, एक बिंदु से वह दूसरे बिंदु तक जाएगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, चलेगी तो पक्का है। अगर वह चलेगी तो वो क्या करेगी, एक बिंदु से दूसरी जगह बिंदु जाएगी, और इसके लिए अपन ने दो भौतिक राशियां परिभाषित कर रखी है। पहली भौतिक राशि है वह है दूरी, और दूसरी भौतिक राशि है वह है विस्थापन। अब समझते हैं दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को। दूरी क्या चीज है और विस्थापन क्या चीज है, देखिए समझिए। जैसे मान लिया मुझे क्या करना है, एक कोई स्थान है ए और कोई दूसरा स्थान है बी, ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाने के अपने पास कई रास्ते हैं, जैसे यहां से और कोई एक व्यक्ति गया और ऐसे घूम के बी तक आ गया, कोई एक दूसरा रास्ता ऐसे भी हो सकता है ऐसे घूम के आ जाए, तीसरा रास्ता है कि ए से बी तक सीधा आ जाए, यहां मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये एक नंबर रास्ता है, ये दो नंबर रास्ता है, ये तीन नंबर रास्ता है। अब आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब ए से बी तक चल रहा है तो एक दो तीन कौन से भी रास्ते से आ सकता है, लेकिन जब वह एक रास्ते एक नंबर रास्ते का चयन करेगा तब उसे कुछ ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, दो नंबर रास्ते में थोड़ा कम करनी पड़ेगी, और तीन नंबर रास्ता है उसमें सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी। क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदु हैं उनके मध्य जो पथ चला जा रहा है, चाहे एक नंबर चाहे दो नंबर चाहे तीन नंबर, इन पथों के लिए चली गई जो कुल दूरी है या कुल लंबाई है उसे हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया अपन ने एक नंबर रास्ता चयन कर लिया, एक नंबर रास्ता चयन करके हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक और ऐसे पूरी दूरी जोड़ लेंगे, तब हम इसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। अगर दो नंबर चुन लिया तो यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक आने में जितनी भी लंबाई तय की जाएगी या दूरी तय की जाएगी उसे हम भौतिक राशि दूरी कहते हैं। ऐसा ही इसमें तीन नंबर में यहां से यहां तक की कुल जो लंबाई होगी उसे हम दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन है उससे वो थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर रास्ते का चयन किया चलते हुए,
लेकिन अगर अपने को विस्थापन देखना है तो विस्थापन कैसे देखा जाएगा, ए और बी के बीच की जो सीधी दूरी है, सीधी लंबाई है, चाहे कौन से भी रास्ते का चयन किया जाए, ए और बी यानी दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी लंबाई होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो दूरी को कैसे परिभाषित किया जाता है, दो बिंदुओं के मध्य चली गई पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दो बिंदुओं के मध्य तय न्यूनतम दूरी यानी कम से कम जो सीधी दूरी भी बोल सकते हैं इसको, सीधी दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। दो प्रकार की है, दूरी और विस्थापन। समझ में आ गया, यहां से यहां तक चल के आ रहे हैं, चाहे एक नंबर पथ का चयन किया जाए, इन दोनों के बीच की सीधी लंबाई जो मापी जाएगी उसे हम विस्थापन कहेंगे। दूरी एक होती है वो अदिश राशि है, इसके अंदर कोई दिशा का निर्धारण नहीं किया जाता, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। सदिश है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी, चलिए दिशा का निर्धारण करते हैं। ये वो कहलाता है जहां से हम प्रारंभ करते हैं उसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और जहां पर जाकर खत्म किया जाता है उसे हम अंतिम बिंदु कहते हैं। तो इसकी जो दिशा होगी वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगी, और इसको एक लास्ट में तीर का निशान लगा देते हैं, यह बताता है कि ए से बी की ओर जा रही है, यह प्रारंभ से अंतिम बिंदु की ओर दिशा को बताता है। तो यह क्या है, एक सदिश राशि, यह एक अदिश राशि, जिसकी दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर विस्थापन की दिशा होती है। एक बात ध्यान रखना, दूरी है वो कुल लंबाई होगी, जबकि विस्थापन है वो सीधी लंबाई होगी। तो एक बात ये मैं अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख रहा हूं स्टार लगा के, कि दूरी है वो विस्थापन से सदा ही बड़ा होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ये शायद बात समझ में नहीं आई होगी, बराबर कैसे होगा, जैसे मान लिया मैंने तीन नंबर पथ का चयन किया, तो तीन नंबर पथ में क्या होगी, दूरी भी सीधी है कुल लंबाई, और विस्थापन भी इतना ही है, तो इस समय क्या होगा, यह बराबर हो जाएगा, वरना जो दूरी है वो हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। ये हो गया अपना दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट। एक बात और ध्यान रखनी है, इन दोनों का मात्रक यानी चूंकि ये लंबाइयां हैं और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसका जो SI मात्रक है वो मीटर होता है, SI होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक की, मैंने अलग से वीडियो बना के आपको दे रखी है, आप वहां से पढ़ लीजिए। और इसका जो CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर, CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इससे बड़ा मात्रक देखें, इसका बड़ा मात्रक होता है वो किलोमीटर भी होता है, KM से लिखते हैं, और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अभी जो एयरफोर्स का एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि दूरी पारसेक किसका मात्रक है, पारसेक किसका मात्रक है, तो ध्यान रखना पारसेक दूरी का मात्रक है। एक मात्रक और है प्रकाश वर्ष और पारसेक, दोनों ही दूरी के मात्रक हैं, ध्यान रखना। ये आपके जो कम काम में आता है पारसेक और प्रकाश वर्ष, ये साइंस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा काम में आता है जो फिजिक्स पढ़ते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी ध्यान रखना पारसेक और प्रकाश वर्ष, ये भी ये तो लगभग पता ही होता है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर। इसके अलावा एक मात्रक FPS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है फुट, FPS पद्धति में जो लंबाई या दूरी या विस्थापन का मात्रक होता है वो फुट होता है। एक बात अपने को पता ही होगी शायद, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं,